देखो कांग्रेस पार्टी के वर्कर आए थे और अच्छी तादाद में आए थे, काफ़ी लोग आए थे सैकड़ों की तादाद में। तो आज हमने, क्योंकि मैं बीमार रहा और उसकी वजह से मैं शुक्रिया नहीं कर सका, आज मैंने तमाम बनिहाल के लोगों का, बनिहाल गूल जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी, और अपने वर्करों का शुक्रिया किया जिनने इस इलेक्शन में मेहनत की और काफ़ी वोट कांग्रेस पार्टी ने लिए। ये दूसरी बात है कि हम इस इलेक्शन में नहीं जीत पाए, लेकिन इंशाल्लाह रहमान आगे भी कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जितने काम इस बनिहाल के लिए किए हैं, और गूल में हमारे एजाज साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी ने किए हैं। अब जो लोग आए हैं, जीते हैं, हम भी उनका भी देखते हैं, जहाँ वो अच्छा काम करेंगे वहाँ अप्रिशिएट करेंगे उनको। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे वर्कर जो हैं, मैंने वर्करों का जोश देख के खुश हुआ, आगे और ये मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, आगे और पार्टी को बढ़ाएंगे। हार जीत पॉलिटिक्स में चलती रहती है, तो यही आज हमारा वर्कर्स मीटिंग थी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके जम्मू कश्मीर आए और लोगों ने बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मिला वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिला, उससे पहले उनको लोग बोलते थे कि ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो हमने उनको वाइट वॉश किया और वो इकतदार में आए। तो ये है कि जो मंशूर है उनका, हम चाहेंगे हमारा अलायंस है उनके साथ, वो करें इस मंशूर को करें और हम अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ डेली वेजरों की बात है, वहाँ कांग्रेस ने भी कहा है कि हम डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। जहाँ गैस सिलेंडरों की बात है, तो वहाँ हम मानेंगे कि गैस सिलेंडर फ्री देने चाहिए, बिजली फ्री मिलनी चाहिए। इसी तरीके से चावल जो है 10 किलो मिलना चाहिए, चावल 10 किलो लोगों को बोला है मिलना चाहिए। जब आप मंशूर रखते हो तो उसको पूरा करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। आप बोलेंगे हम 5 साल के बाद 2 महीने इलेक्शन को रहेंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। आपने अगर कोई मंशूर बनाया है उसको करना चाहिए, तो हम तवक्का रखते हैं कि सरकार आई है वो करेंगे। आखिरी बात, बीजेपी फूड के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जब प्रेसिडेंट भी था आपने रात दिन देखा हमने कितनी लड़ाई लड़ी। स्टेट उड देना चाहिए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है हम जो कैदियों को रिहा करेंगे, PSA ख़त्म करेंगे, मुझे लगता है उमर साहब गए थे दिल्ली, उनको वहाँ बात करनी चाहिए थी PSA ख़त्म करने की। जो अरेस्ट हैं लोग उनको छुड़ाने की, बेरोज़गारी दूर करने की, रोज़गार दिलाने की, लोगों को डेली वेज उनको परमानेंट करने की, ये काम करें वो, क्योंकि उनके हाथ में है, वो करने चाहिए। यही हम सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो बातें की हैं वो करें, वही हमारी रिक्वेस्ट है।